What made you say yes to Tamasha? मुझे हमेशा से ये था कि मुझे अपना कम्फर्ट जोन तोड़ना है. मैं टेस्ट करना चाहती हूँ अपने लिमिटेशंस, मेरा सबर, स्ट्रेंथ. और वो मुझे मौका मिला है तमाशा के थ्रू. और मुझे नहीं पता था कि बाहर मेरा क्या इंप्रेशन जा रहा है. Are you happy with the way your career is going? स्क्रिप्ट्स पे मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ. मुझे नहीं अच्छे लग रहे सास बहु. इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? नहीं. ऑफ कोर्स फेवरेटिज्म है, किसी का कोई दोस्त है. आपकी और अकील की दोस्ती? मैं उसको पहले नहीं जानती थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, केयरिंग हो गया मेरी तरफ से. कुछ चीजें उसने मुझे समझाई जो कि मेरे फायदे की थी. मैं उससे हर चीज शेयर करती कर सकती थी और वो मुझे जज भी नहीं करता था. कभी कभी मैं और वो खड़े होकर अपने एंटरटेनमेंट कर रहे होते थे, कोई तीसरा आया था तो मैं उसका हाथ पकड़ के ले जाती थी, मैं चलो मुझे अपना दोस्त नहीं शेयर करना. वो एक रील वायरल हुई, इसमें हाथ पकड़ के ले जा रही हूं मैं. तो जब उन्होंने वो लाइन बोली मेरी तहज्जुद की दुआ कबूल हो गई, तो आप मुझे सच्ची बच्चे आप टर्न तो कर गए. दिल में क्या सोचा आपने? बड़ी उन्होंने 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के नमाज पढ़ी होगी, मैं नहीं बिलीव करती. मुझे पता भी नहीं था ये सीन लगा देंगे वो कि ये वायरल हो जाएगा. अनम रो रही है बैठ के यू करके. तमाशा ने आपकी मेंटल हेल्थ पे कोई टोल लिया? अच्छा तो नहीं लग रहा वापस आके. आप तो उल्टा बोल रही हैं. आई स्वेयर मुझे नहीं अच्छा लग रहा. वो एक दुनिया थी, उसका अलग ही एक चार्म था, अलग ही मूड था. मेरे लाइफ में बहुत दिल टूटे व्हिच एक्चुअली मेड मी द पर्सन आई एम टुडे. जिनको नहीं पता मैं उनको ये बता दूं, भाई मुझे रिश्ते बहुत है, मैं खुद नहीं कर रही. छोटा मुंह बड़ी बात, मैं खुद नहीं कर रही. और जिस हिसाब से शोबिज़ में तलाकें हो रही हैं, सॉरी टू से मैं तो बहुत डर गई हूँ भाई. तो आई वॉन्ट टू टेक माई टाइम, भले थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाए, बट जो भी आप डिसीजन लें वो सही लें. Hey guys, Assalamualaikum. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. Tamasha season 3 खत्म हो गया है, लेकिन conversations अभी तक जा रही हैं, interviews अभी तक जा रही हैं. I think हमने contestants को देखा कभी लड़ते हुए, झगड़ते हुए, डांस करते हुए, गुनगुनाते हुए, एक दूसरे को मनाते हुए, आंसू साफ करते हुए. अब उन्हीं contestants में से बहुत सों को हम interviews कर रहे हैं और सुन रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है. बहुत पता चल रहा है कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा था. एंड सो तमाशा खत्म होने के बाद भी हमें एंटरटेन कर रहे हैं. फ्यू पीपल जिनका मुझे लगा कि वाकई तमाशा में जर्नी हुआ, अनम तनवीर उनमें से एक थी. जब वो आई और जब तमाशा ख़त्म हुआ तो मुझे लगा कि एक प्रोसेस से वो गुजरी. और उनकी मानी की, उनकी अकील की, बहुत मज़े की रील्स, बहुत मज़े की बातें हमने देखी. उन्होंने बहुत हमें इंटरटेन किया. सो आज अनम हमारे स्टूडियो में हैं और हम कुछ उनके करियर के बारे में और कुछ तमाशा घर में क्या हो रहा था, उनका पूरा जर्नी, हाउ इट हैज़ अफेक्टेड हर एज अ पर्सन और हाउ इट हैज़ बेनिफिटेड हर एज अ पर्सन, हम उसके बारे में बात करेंगे. तो अनम से मिलते हैं और उनके जर्नी के बारे में उनसे जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. पहले तो बताएं, अकील को छोड़ें और आप मानी को छोड़ें, आप बताएं मैंने आपके साथ क्या किया या आपने मेरे साथ क्या किया कि हम दोनों का झगड़ा है? आई डोंट नो, हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं है. नहीं झगड़ा? इनफैक्ट आपने तो मुझे गुड लक भी कहा था. लेकिन मैंने तो आपको इनवाइट ही नहीं किया, मैंने तो इंटरव्यू ही नहीं किया, मैं आपके बारे में सवाल भी नहीं कर रही. तो फिर कुछ तो आपने किया होगा कि मैं आप पे गुस्सा हूँ. क्या किया है आपने? कुछ गलत फहमी हो गई होगी किसी को. जस्ट लेम जोक बिटवीन द टू ऑफ अस. बहुत से कॉमेंट्स आ रहे थे कि अनम को इन्वाइट नहीं किया और अनम के बारे में बात नहीं की. तो कुछ भी नहीं है, अनम के साथ इंटरव्यू बहुत अरसे से प्लान था, बट एक प्रोसेस चल रहा था और अनम की अपनी भी पर्सनल कमिटमेंट्स थी. तो जैसे ही अनम फारिग हुए हमने ये इंटरव्यू हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये देखने को मिलेगा और अपनी फेवरेट अनम के बारे में जानने को मिलेगा. एज यू सेड मेरी तो तमाशा पे जाने से पहले भी आपसे बात हुई थी. आई विश यू लक. यू नो कैसी हैं आप, कैसा चल रहा है वापस निकल के? वैसे मैं कहती हूँ निकल के, तो मुझे लगता है मैं लोगों से पूछूं जेल से निकले कैसा लग रहा है आपको? जेल तो थी वो, और मैं ये कहूँगी कि ठंडी जेल थी. जैसे कि हम कनाडा के बारे में कहते हैं ठंडी दोजख है कनाडा, तो तमाशा एक ठंडी जेल थी जिसमें 0 भी गया है टेम्परेचर. ओके 1 डिग्री 2 डिग्री तो कितना वास्की ठंडा होता होगा. एग्जैक्टली, क्योंकि वो पूरा वो सेट था, वहाँ पे मशीन्स थी, कैमरेज थे, लाइट्स लगी हुई थी, तो उनको कूल डाउन करने के लिए ऑब्वियसली स्टूडियो में एसी तो होता है. एक तो ये था, दूसरा जब हम वापस आए असली दुनिया में तो असली दुनिया के रियल लाइफ के चैलेंजेस कुछ और होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल लोड शेडिंग, बिजली की. मैंने कभी नहीं सोचा था वैसे, है ना? आप तो वाकई आप अब तमाशा घर की वाकई वैल्यू आ रही होगी. गैस नहीं जाती थी वहाँ पे, 24 घंटे गैस ऑन है, बिजली ऑन है, पानी की कोई लेकिन राशन नहीं है तो आप बना नहीं सकते कुछ. हाँ राशन का था वहाँ पे कि जो हम लोग गेम्स जीतते थे, राशन टास्क जीतते थे, उसी में से हमें राशन मिलता था, कोई एक्स्ट्रा कोई लवाजमात नहीं मिलते थे. तो एक टफ एक्सपीरियंस तो था, लेकिन आई हैड अ लॉट ऑफ फन. मुझे बहुत मज़ा आया एंड मुझे लिटरली बहुत मज़ा आया. मैंने 64 डेज इतनी इंटरटेनमेंट शायद रियल लाइफ में भी नहीं दी होगी जितनी इंटरटेनमेंट खुद
को मैंने दी है. एक्चुअली बहुत सारी चीजें ना मैं अपने आप को खुश रखने के लिए भी कर रही थी वहाँ पे. रियली? यस, बिकॉज आप क्या उधर करेंगे, मोबाइल नहीं है. ये आपका इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं अपने आप को खुश रखने के लिए कर रही थी. लाइक क्या कर रही थी आप? क्योंकि मुझे एक बात बताए ना, आप दुनिया वालों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको खुश रखेंगे? नो, यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड. आप एक वाहिद इंसान है आप खुद जो आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने आप को खुश रख सकते हैं. वो कहते हैं ना कि किसी माली के पास पूरा बाग होता है फूलों से भरा हुआ, वो खुश नहीं होता. True. और एक शख्स होता है उसके पास सिर्फ एक फूल होता है, वो उसमें भी खुश होता है. मैंने एक तस्वीर देखी थी सोशल मीडिया पे कि एक शख्स के पास सिर्फ एक फूल है वो खुश था, और एक शख्स है उसके पास पूरा भरा हुआ बाग है वो तब भी खुश नहीं था. तो मोटिवेशन और खुशी जो है ना आपको खुद से अंदर से लानी पड़ती है. तो 64 डेज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं दूसरों को तो एंटरटेन कर ही रही थी, लेकिन ज़्यादा मैं अपने आप को कर रही थी. क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरों से कैसे कर सकते हैं. True. तो मैं अपने आप को खुश कर रही थी वहाँ पे. कुछ करने को नहीं था, ना कोई बुक, ना कोई इंटरनेट, ना घड़ी, ना कोई खुली हवा, बस लोग थे. लोग थे तो उसमें मुझे लगता है कि जो हम डांस करते थे, हम एक दूसरे पे जुमले भी कसते थे, फ़नी बातें करते थे और बैंटर एक्सचेंज करते थे, वो सब मैं अपने आप को भी खुश रखने के लिए कर रही थी कि मैं तो एंटरटेन हूँ एटलीस्ट. ये आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली है, मुझे आज तक कभी किसी कंटेस्टेंट ने ये बात नहीं बोली. सो आई एम रियली हैप्पी. एंड एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, यू आर लाइक इट्स यू सो लाइक यू बीइंग ऑनेस्ट कि मैंने सोशल मीडिया पे ये देखा तो मैं बता रही हूँ. और यू नो मुझे मज़ा आ रहा है ये बातें सुन के. और मैं यही सोच रही थी अनम कि बहुत से लोग जाते हैं तमाशा पे, उनको एक मोटिवेशन ये भी होती है कि रिकग्निशन मिले. इतने दिन आप लोगों के सामने रहते हैं तो आपकी पॉपुलैरिटी पे इफेक्ट होता है, यू नो आपको चांस बहुत मिलता है. लेकिन आप तो ऑलरेडी एक नोन फेस है माशाल्लाह से, आपका करियर है, आप इतने बहुत से प्रोजेक्ट्स से, बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट से मुंसलिक रही हैं. तो आपकी क्या मोटिवेशन थी, व्हाट मेड यू से यस टू तमाशा? मुझे हमेशा से ये था कि मुझे अपना कम्फर्ट जोन तोड़ना है. इंसान लाइफ में उसी वक्त प्रोग्रेस करता है जब वो अपना एक सेट पैटर्न तोड़ता है. और ये बड़ा मुश्किल होता है. बहुत सारे लोग जॉब स्विच नहीं करते क्योंकि वो उनको आदत हो जाती है. बहुत सारे लोग अपना रूटीन चेंज नहीं करते क्योंकि उनको उनके लिए इजी होता है. जब आप रूटीन तोड़ते हैं, सेट पैटर्न हटते हैं, मोनोटनी तोड़ते हैं, उसी वक्त इंसान की ग्रोथ होती है. लोग जॉब शिफ्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो दो तीन साल से वही जॉब कर रहे होते हैं, ग्रोथ के चांसेस रुक जाते हैं. तो मेरे लिए ये था कि अगर एज अ पर्सन मैंने ग्रो करना है तो आई हैव टू हैव यू नो मैंने अपने आप को टफ चीज़ों से गुजारना है. मैं बड़ी आई एम ऑलवेज हार्श ऑन माई सेल्फ. मैंने अपने आप को जहाँ मुझे शॉर्टकट लेना चाहिए वहाँ मैं शॉर्टकट नहीं लेती, भले वो काम शॉर्टकट से भी हो रहा होता है. लेकिन मैं कहती हूँ क्यों, वो तो मेरे लिए इजी है, मैं मुश्किल तरीके से ये काम करूँगी. तो मेरी ज़िंदगी जो ना वो हमेशा से बड़ी मुश्किल रही है. मैंने अपने लिए अपनी लाइफ खुद मुश्किल बनाई है. बाकी मैं उन मुश्किल से गुजरती हूँ कि मुझे आई डोंट वॉन्ट द ईजी वे, आई वॉन्ट द हार्ड वे. मुझे मुश्किल रास्ता चुनना है ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बनूँ. और लाइफ जो इज़ नॉट अ बैड ऑफ रोजेज़. मुझे ये पहले ही समझ आ गई थी बात, मेरे भी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे. तो मैंने इन चीज़ों से अपने आप को इसलिए गुजारा कि मैं एक मजबूत इंसान बनना चाहती हूँ. मैं टेस्ट करना चाहती हूँ अपने लिमिटेशंस, मेरा सब्र, मेरी स्ट्रेंथ. और वो मुझे मौका मिला तमाशा के थ्रू. और मुझे नहीं पता था कि बाहर मेरा क्या इंप्रेशन जा रहा है, लोग मुझे कैसे ले रहे हैं. वो तो बाद में पता चला जब मैं एक तमाशा से फिनाले से बाहर गई. उस दिन मैं रात सुबह के 5 बजे सोई हूँ. जो मैसेजेस मैंने पढ़े मेरे तो होश उड़ गए कि अच्छा ये है. क्या मैसेजेस थे? मतलब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना अप्रिशिएट किया. मुझे नहीं था आइडिया. मुझे लग रहा था कि पता नहीं, मैंने तो कोई लड़ाई भी नहीं की. क्योंकि तमाशा का नाम सुन के ये आता है कि जो कंटेस्टेंट लड़ाइयाँ करते हैं सिर्फ उन्हीं की वाह होती. ऐसा नहीं है. तमाशा इज़ अ प्लेटफॉर्म जिसको आप पॉजिटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं. यू कैन गिव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव मैसेजेस. दुनिया देख रही है आपको. अच्छी बात कर सकते हैं. कोई स्किल अगर आप सीख के आएँ, डांस हो गया, ये हो गया, उस तरह की स्किल दिखा सकते हैं. अगर आप अच्छे एक्टर हैं आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपने वो कैरेक्टर्स दिखाएं. तो जो आप में टैलेंट है वो आपको दिखाने का मौका मिलेगा. तमाशा जस्ट नॉट अ फाइटिंग हाउस की जहाँ फाइट हो रही है. इट्स जस्ट वन पार्ट बट हमेशा फाइट नहीं होती वहाँ पे. मुझे लगता है इस सीज़न का जो तमाशा का ये सीज़न था उसने ये बहुत चीज़ हाईलाइट की, जैसे अरसलान का जीतना और आप लोग और बहुत से लोग, यू नो. तो एक डिफरेंट इमेज तमाशा का डेफिनेटली स्टार्ट होना शुरू हो गया है इस सीज़न में. इस सीज़न से मुझे लग रहा है इस सीज़न, क्योंकि बादशाह सलामत अदनान सिद्दीकी ने बोला है कि ये सीज़न उनका फेवरेट है. क्योंकि हाँ, क्योंकि इस सीज़न में एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट था, लड़कियाँ भी और लड़के भी. और हम मजाक भी उड़ाते थे एक दूसरे का कि तमाशा सीज़न डीट है.
यहाँ पे सब डीट है, कोई नहीं हार मान रहा, कोई नहीं चुप हो रहा, हर बंदा एक से बढ़कर एक है, तो विच इज़ गुड थिंग। तमाशा ने आपकी मेंटल हेल्थ पे कोई टोल लिया? अगर लिया तो किस तरीके से? मेंटल हेल्थ पे इस तरह से है कि अच्छा तो नहीं लग रहा वापस आके, मतलब आप तो उल्टा बोल रही हैं। आई स्वेयर मुझे नहीं अच्छा लग रहा, वो एक एक दुनिया थी, उसका अलग ही एक चार्म था, अलग ही मूड था। तो बट आप कोई प्रेशर, कोई स्ट्रेस, कोई क्वेश्चन आपके, मतलब जब आप थी तो आप कम्प्लीटली ओके थी, कुछ आपके साथ ऐसा नहीं हुआ उधर या ऐसा नहीं होता जिसकी वजह से आपको लगे कि यार मेरी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई, यू नो? मेंटल हेल्थ हाँ, कुछ कुछ चीज़ें बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ने बोली तो मुझे बुरा लगता था, लेकिन मैं, मेरे अंदर एक आदत है कि मैं बाउंस बैक बहुत जल्दी कर जाती हूँ। वेन एवर आई एम हार्ट ब्रोकन या वेन एवर आई एम सैड या कुछ ज़िंदगी में कोई ऐसे चीज़ें जब होती हैं मेरे साथ, अप एंड डाउन कुछ होता है लाइफ में, तो मेरी एक स्ट्रेंथ ये है कि मैं बहुत जल्दी बाउंस बैक कर जाती हूँ, कि मैंने ओवर द टाइम सीखा है। और जो लोग निकल नहीं पाते किसी बुरी इंसिडेंट से, मेरा ख्याल है उनको उस पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। मुश्किल होता है किसी चीज़ से निकलना, लेकिन वंस जब आपकी एक ग्रिप बन जाती है तो फिर तो आप कमाल कर जाते हैं। तो मैं जल्दी बाउंस बैक कर जाती हूँ, तो मेरे साथ हुए थे, मुझे शुरू शुरू में लोगों ने बोलने नहीं दिया, बात नहीं करने दी, कोई अच्छी बात कर रही हूँ तब भी चुप करा दिया गया, कोई बुरी बात तो खैर मैंने की, कोई बेतुकी बात भी की उस पर भी चुप करा दिया गया, तो मुझे हाँ बुरा लगता था, लेकिन मैं उससे बाहर भी फ़ौरन निकल आती थी। और जब आपको शुरू में बहुत दफ़ा कंटेस्टेंट्स, क्या आपको ऐसा लगता था कि वो आपको जज कर रहे हैं, आपकी इंटेलिजेंस को क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्हें लगता है आप रैंडमली कुछ भी बोल देती हैं, तो उस वक्त क्या थॉट्स आती थी और क्या टोल और व्हाट, हाउ वुड इट अफेक्ट योर थॉट प्रोसेस? हाँ, मुझे कहीं कहीं लगा कि मैं कुछ कह रही हूँ अच्छी बात तो मुझे चुप करा रहे हैं, मुझे ऑफकोर्स बुरा तो लगता था, लेकिन दो तीन दफ़ा मैंने बर्दाश्त किया। आई थिंक मैंने थ्रू आउट द सीज़न बर्दाश्त किया है, पता नहीं क्यों, कि वो रियल लाइफ में जो मैंने बर्दाश्त करना सीखा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने जो है वो रियल लाइफ से सीखी हैं, कि जी कॉन्फ्लिक्ट होता है कहीं तो मैं फ़ौरन वहाँ से उठ जाती हूँ, मुझे कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट नहीं बनना। हाँ, अगर मेरे साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मैं उसको तरीके से जवाब दे के और वैसे मैं अवॉइड करती हूँ, जैसे घर में अगर कोई मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है घर में तो लिटरली आई विल वॉक आउट ऑफ द हाउस। मैं कन्फ्रंट नहीं करती लड़ाई झगड़े को, मैं उठ के चली जाती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर मेरी अम्मी से भी हो जाती तो मैं तुम कहती हूँ आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, आई एम नॉट सॉरी, मुझे आर्गूमेंट नहीं करने, मेरी एनर्जी ख़राब हो रही है, मैं अंदर से बुरा फील कर रही हूँ, इसको छोड़ दें आर्गूमेंट को, कोई और बात करें, पॉजिटिव बात करें जिससे मुझे फ़ायदा हो। तो हाँ, मुझे फीलर आया कि मैं इंटेलिजेंट बात भी करती थी तो वो चुप करा देते थे, दे वर काइंड ऑफ ट्राइंग टू शो के शी इज़ स्टूपिड, कि ऐसा कुछ पता नहीं है, यू नो, वो एक इंप्रेशन ऐसे डालने की कोशिश कर रहे थे। तो आपको फील होता है या मुझे घेराव हो रहा है? और हाँ, मुझे बिकॉज़ फील होती थी, अपने अपना आप स्टैंड कराना या अपने आप मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, मैं तो सोच के मुझे घबराहट हो रही है, यू नो। हाँ, मुझे बहुत घुटन होती थी और एट टाइम्स मैं सबको कहती थी कि देखें, अगर जब तक आप किसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, किसी लेडी कोलीग को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो वो किस तरह, उसको कौन सुनेगा, फ्लरिश कैसे करेगी, वो फ्लरिश कैसे करेगी, उसकी ग्रोथ कैसे होगी सोसाइटी के अंदर। तो मेरा थ्रू आउट द तमाशा मैंने इसी बात पे स्ट्रेस किया है कि प्लीज़ सपोर्ट योर फीमेल कॉलीग्स, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें इस माशरे में एक आदमी की ज़रूरत है सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो आपका बाप हो, शौहर हो, भाई हो, और इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, वी ऑल सीक सपोर्ट फ्रॉम ईच अदर। अगर हमने, women can also support women. Exactly, women, वो सबसे ज़्यादा important और strong चीज़ है। Exactly, और मैं तो उसकी बहुत बड़ी like supporter हूँ, मैंने तो बहुत बात की इस बारे में तमाशा में। And जब आपको ये बार बार ये conversation या ताना दिया जाता था, ये line बोली जाती थी, इसकी तो शादी नहीं हुई, ये इसलिए इस तरह कर रही है, अक्सर ये बोला गया, उस वक्त आपको लगता था कि यार एक सोसाइटी जिसमें शादी ऑलरेडी इतना बड़ा इशू है उसमें एक औरत को इस तरह बोल रहे हैं, एंड फिर किसी भी कंटेस्टेंट ने सपोर्ट करने की या इस चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं की, आपको सपोर्ट करने की या आपके लिए खड़े होने की कोशिश नहीं की, वो भी आपको अफेक्ट किया या यू वर नॉट बॉदर्ड? ऑफ कोर्स ये तो मुझे बुरा लगा था, और जिनको नहीं पता मैं उनको ये बता दूँ, भाई मुझे रिश्ते बहुत हैं, मैं खुद नहीं कर रही, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं खुद नहीं कर रही। आई लाइक द वे यू सेड इट, दिस इज द बेस्ट, यू लाइक, वो नहीं होता आप सुनते रहे यू लाइक किस दुनिया में, उनको पता ही नहीं ना, मैं क्या नेशनल टेलीविजन में बैठ के बोलूँ कि भाई कितनी लाइन में लगे हैं, मुझे ये शौक नहीं है अपनी बड़ाइयाँ करने का, लेकिन मैं खुद नहीं कर रही, वो उसकी वजूहत हैं।
और बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि जेंडर कार्ड खेलती है, तो मुझे राबिया एक बात बताएं, क्या हमारी सोसाइटी में औरतों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होता? किसी लड़के के अफेयर हो तो उसको बोलते माचो मैन है, बड़ा स्टड है। किसी लड़की, कोई लड़की किसी लड़के को पसंद कर ले तो उसको कहते हैं वाह बड़े अफेयर चला रही है। किसी लड़की की प्रमोशन हो जाती है तो उसको कहते हैं कि ये तो खूबसूरती की वजह से आगे बढ़ी है। किसी लड़के की प्रमोशन हो रही है, ओ ये तो मेरिट पे आगे बढ़ा है। तो ये क्या, ये जो एक इम्बैलेंस है, ये तो सोसाइटी ने खुद क्रिएट किया हुआ है। तो मैं इसी चीज़ों पर तो बात कर रही थी वहाँ पर कि भाई इन चीज़ों को मैंने इतना ऑब्वियस बात नहीं की, लेकिन मैंने दबे दबे अल्फाजों में ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि भाई एक लड़की फीमेल कंटेस्टेंट है, उसका मेरिट सिर्फ उसके कपड़े या गुड लुक्स नहीं है, हो सकता है उसके अंदर कोई और खसूसियत हो, कोई उसका मेरिट हो सकता है, उसकी एजुकेशन हो सकती है, इंटेलिजेंस हो सकती है, कोई खासियत हो सकती है, तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करें ताकि वो लाइफ में ग्रोथ करे। दैट वॉज़ माई मैसेज थ्रू आउट द शो। जो किसी ने इस बात को समझा ही नहीं, सब ने बोला ओ ये तो जेंडर कार्ड खेल रही है, तो फलां खेल रही है, और इसमें कोई मज़ाक वाली बात नहीं है कि हाँ विमेन की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कम होती है आदमियों से। इसमें मैं इस पे बात पे बिलीव करती हूँ। कुछ गेम्स भी हम ऐसे खेल रहे थे जिसमें अरसलान और अयाज जो एंड तक खड़े रहे, वो जिसमें बार पकड़ना था, उसमें मुझे लगता था कि वो गेम मेरे लिए नहीं है, और मैंने बोला नहीं। आपको लगता था क्योंकि आप औरत हैं तो आपको डिसएडवांटेज है? अच्छा, हो सकता है कि किसी और खातून के लिए वो गेम जो है वो सही होता, वो खेल सकती थी, लेकिन आप खुद सोचें अरसलान इज़ अ कम्पेटिटिव गाय, उसकी स्ट्रेंथ बहुत है। अगर उस गेम में मैं अरसलान को बीट करने के लिए खड़ी रहती ईगो में, तो आपको पता है मेरे बैक के इश्यूज हो सकते थे, मेरे शोल्डर में कोई इंजरी आ सकती थी, और मैं एलिमिनेट हो सकती थी बीमारी की वजह से, क्योंकि अब्दुल्ला भाई शुरू में एलिमिनेट इसी वजह से हो गए कि वो ये और शहरियार कुछ पता नहीं, शहरियार ने कहा वो ऊपर से उतारें कुछ करें, तो वो उछले और उनकी बैक में चुप पड़ गई। तो मुझे ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना था कि मैं बीच गेम में एलिमिनेट हो जाती एक स्टूपिड हरकत की वजह से, कि मैंने उनको दिखाना है, अयाज और सलान को दिखाना है कि मैं खड़ी रह सकती हूँ। भाई जितनी मेरी बर्दाश्त है मैं उतना तो खड़ी रह सकती हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए खड़ी नहीं रहूँगी। बहुत सारे कंटेस्टेंट वहाँ पर मुझे दिखाने के लिए भी खड़े हुए थे, आई एम नॉट टेकिंग एनी वन स्लेम, बट जैसे ही मैं उतरी वो फ़ौरन उतर गए एक मिनट बाद। तो मुझे किसी को प्रूव नहीं करना, मुझे अपने आप को प्रूव करना था वहाँ पे, जो मैंने किया। और वो बहुत अच्छा खेले अरसलान, बहुत अच्छा खेला अकील, सॉरी अयाज बहुत अच्छा खेला। फिर अरसलान ने मुझे अंदर आके बोला ये क्या बात करती, औरतों के लिए नहीं था मर्दों के लिए था। मैंने कहा भाई मेरी स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रेंथ में फ़र्क है ज़मीन आसमान का, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, और ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरा ख्याल है, आप डिसएग्री कर सकते मैं हाँ, और मैं अभी भी इस बात को करूँगी कि हाँ मेरी स्ट्रेंथ उस वक्त कम थी, मैं उतर गई। शादी वाली बात पे मैं ये कहूँगी कि भाई हाँ अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं खुद अपना टाइम ले रही हूँ, बिकॉज जब तक मेरे अंदर से आवाज़ नहीं आएगी कि ही इज़ द वन, आई एम नॉट गोइंग टू ऑप्ट फॉर हिम, एज सिंपल एज दैट। और हाँ उस वक्त मेरे ख्याल से अयाज की वजारत थी जब साइमा ने मुझे ऐसा कुछ बोला और किसी ने उस बात को कन्फ्रंट नहीं किया, तो मुझे लगता है कि ये मुझे समझ में नहीं आती कि बींग अ वमेन हम 21वीं सदी में खड़े हुए हैं, 2024 है, ख़वातीन पे ऐसे रिमार्क्स क्यों पास किए जाते हैं, और कोई इन चीज़ इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठाता, क्यों कि स्टीरियोटाइप क्यों है? जो जिन मर्दों की शादी नहीं होती उनको भी तो कहें कि जिनकी शादी नहीं हुई भी उनको आप अप्रिशिएट करते हैं, ओ सिंगल है, ओ हो इसके तो बड़े स्टैंडर्ड हैं शादी नहीं कर रहा, तो हो सकता है भाई उस लड़की के भी कोई ड्रीम हो। तो ये जो इम्बैलेंस है ये तो खुद सोसाइटी ने क्रिएट किया हुआ है, जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा, वेमेन स्टीरियोटाइप क्यों है, तो इस पे तो बात करनी चाहिए, तो सोशल इशू है। तमाशा ने कैसे चेंज किया है आपको, और कोई नई चीज़ अपने बारे में डिस्कवर की, कोई नई चीज़ सीखी? मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा कि आई एम वेरी पेशेंट, जो कि मेरे घर वालों को नहीं, उनको अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितनी पेशेंट हूँ, उनको अब पता चल रहा है उन्हें? हाँ उनको शायद पता लगना चाहिए, और अगर अब भी नहीं पता चला तो मैं क्या ही कह सकती हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर यही कह सकती हूँ। तो उनको लगता था कि मैं इतने लोगों का खाना नहीं बना सकती, क्योंकि मैंने कभी इतने लोगों का खाना नहीं बनाया। तो मतलब जब आप निकली हैं तो कमेंट्स आ रहे हैं अम्मा के या कोई? अच्छा मैंने कोई कमेंट नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं बोला घर वालों ने, कोई अप्रिशिएशन नहीं दी कि हाँ तुमने बड़ा काम किया है। सीरियसली आई स्वेयर मैं घर जाके पूछूंगी, सुने सब लोग, थैंक यू आपने मुझे याद दिलाया, सुने सब लोग घर वाले और कजन्स और फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ने बोला या फ्रेंड्स ने भी कोई अप्रिसिएशन नहीं दी? एक दो ने मुझे कहा कि हाँ तुमने, मेरी फ्रेंड है वो साइमा की बड़ी बहन, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है,
वो बर्मिंघम में रहती है, शी यूज्ड टू बी अ मॉडल, नाउ शी इज सेटल्ड एंड एवरीथिंग. उसने मुझे बोला यार तुम किचन में बड़ी मेहनत करती थी, वो उसने मुझे बोला. बाकी घर वालों ने कुछ नहीं बोला उनके लिए, बाकी हम घर की मुर्गी हैं. हाँ, तो एक तो ये चेंज आया कि वो एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ आई कैन होस्ट अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए खाना बना सकती हूँ. मुझे खाना बनाने का घर से ही शौक था, लेकिन वो अलग बात है कि मैं अंग्रेजी खाने बनाती थी डाइट वाइट के जो जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि मैं वो जैसे कि मैंने बताया कि और वो सब नहीं किया जाता. मैंने अपनी डाइट बहुत चेंज की है. मैं लाल मिर्च नहीं खाती, मैं कन्वेंशनल ऑयल नहीं खाती, काली मिर्च, हरी मिर्च, सीरियसली यस, असली घी खाती हूँ, कोकोनट ऑयल खाती हूँ, चीनी नहीं है, पिंक सॉल्ट खाती हूँ. और मुझे लिटरली मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं पूछती हूँ इसमें क्या डाला हुआ है, मेरी मम्मी कहती है इसमें तो कन्वेंशनल ऑयल डला हुआ है. जो मैं कल भी पूछ रही थी, मैंने कहा ये जो खाना बना है ये कौन से तेल में बना है, मेरा सवाल पहला ये होता है. सो यू ईट फूड दैट्स कुक्ड इन देसी घी? हाँ हाँ, जस्ट देसी घी घर में जो ऑर्गेनिक. तो कढ़ाई खाएंगी लेकिन देसी घी वाली खाएंगी, और उसमें लाल मिर्च नहीं होगी? नहीं, काली मिर्च होगी. वाओ यार, आई एम इंप्रेस्ड. तो मैंने एक रिसर्च देखी थी नेशनल ज्योग्राफिक पे कुछ टाइम पहले, एंड वो ये बता रहे थे कि चाइनीज लोग इतने जवान कैसे होते हैं, बुढ़ापे तक अपने पैरों पे क्यों चल रहे होते हैं. उनकी डाइटरी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो उन्होंने अपनी डाइट में इंक्लूड की हैं. फॉर एग्जांपल लाल मिर्च वो नहीं खाते, वो उनकी वो लंबी वाली ऑर्गेनिक मिर्ची होती है वो खाते हैं, जो थाई लोग खाते हैं. ओके, व्हिच इज एंटी एजिंग बाय द वे. और जो हम पाउडर लाल मिर्च, तमाशा के साथ साथ एक डाइट और एंटी एजिंग क्लास भी ले रही हूं. और कुछ जड़ी बूटियां जो खाते हैं, अश्वगंधा इज अ जड़ी बूटी जो कि अमेरिका में अब इंट्रोड्यूस हुई है. पाकिस्तान में किसी को नहीं पता कि ये कितनी एंटी एजिंग है, इससे आपकी एज एंटी एजिंग है, एज रिवर्स हो जाती है आपकी. okay. जड़ी बूटी है. मैंने उसको पढ़ा हुआ है कि वो आपको जैसे लाइक आपका स्ट्रेस लेवल नीचे लाती है, आपको आपकी नर्व्स को काम करती बहुत है, बहुत अच्छी है. और एक अलायंस मैनी एक मशरूम है जो अमेजोन में इधर उधर इलाकों में, और चाइनीज लोग ये खाते हैं. तो ये आप लेते हैं ऋषि मशरूम? ये सप्लीमेंट्स होते हैं जो मैं बाहर से मंगाती हूँ. okay. और ये ऑर्गेनिक भी होते हैं, बट दीज आर द थिंग्स जो कि मैंने सीखी और मैंने डाइट में इंट्रोड्यूस की, मैंने चेंज की अपनी डाइट, एंड आई फेल्ट रियली गुड कि मुझे हेल्थ वाइज बहुत बेनिफिट हुए हैं इसके, जो कि आपने तमाशा में देखा कि मैंने क्या कुछ कारनामे किए. सो आपने एक तो ये सीखा कि आप में इतनी कैपेबिलिटी कि आप ढेर सारे लोगों को केटर कर सकें, ये और पेशेंस आपको अपने अंदर पता चला कि मैं इतनी पेशेंस. इसके अलावा एक मेरी एक जो मैंने इतनी कैरेक्टर्स उधर दिखाए, इससे पहले मैं घर में मिमिक्री करती थी. हम आपस में दोस्त कभी ऑन स्क्रीन नहीं किया था? नहीं, ये मैंने ऑन स्क्रीन कभी कोई मिमिक्री नहीं की. ये मेरी एक साइड थी जो मुझे पता थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी मेरे अंदर वो एक हावी हुई हुई ये साइड. इससे पहले हम दोस्तों के साथ मजाक उड़ाते थे. मेरे एक दो दोस्त हैं लड़के, जैसे मेरे हमेशा से लड़के बेस्ट फ्रेंड्स रहे, तो वो मेरे लड़के दोस्त मुझे फ़ोन करके बोलते हैं हाँ भाई क्या हो गया, ये हो गया. मतलब अब मैं उनको उस तरह से जवाब देती थी वो, तो हमारा एक था तो मैं उनके साथ ये करती थी मस्ती मजाक. फिर कुछ दोस्तों के साथ मिमिक्री करती थी, किसी उनके किसी दोस्त की मिमिक्री कर रही हूँ कि यार ये तो ऐसे बोलता है या ये ऐसे बोलती है. या कभी अपने अब्बा का भी मजाक उड़ाया मैंने बहुत दफ़ा, तो वो देयर इज सर्टेन वे ही वॉक्स, तो मैं उनका भी मजाक उड़ाती हूँ घर में कि अब्बा आप तो ऐसे चलते हैं, आप तो ऐसे बोलते हैं, तो वो फिर वो हंसते हैं. तो ये मैं घर की हद तक, दोस्तों की हद तक मैं ये करती थी. लेकिन वहाँ जाके क्या है करने को, तो वो फिर आपका अपना आप निकल रहा होता है. जब आप कुछ नहीं करने को तो आपका अपनी चीज़ें निकल रही होती हैं. तो मतलब आप कॉमेडी आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती हैं. हाँ, मुझे पता चला कि यार मैं कॉमेडी भी कर सकती हूँ. तो विच वाज फनी. पीपल स्किल्स में कुछ हुआ? या लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में कोई पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ? दुनिया के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू ये चेंज हुआ कि नोबडी इज़ योर्स. हर बंदा यहाँ पे अपनी रैट रेसिंग कर रहा है. और मैंने बहुत दफ़ा ये पॉइंट रेज किया तमाशा में, मैं किसी रैट रेसिंग का पार्ट नहीं हूँ, ना मैं पैसे के पीछे हूँ, ना मैं मेरी ये ख्वाहिश है कि हाँ जी मेरे पास रेंज रोवर आ जाए, मैं बंगले बना लूँ. मैं किसी रैट रेसिंग में नहीं हूँ. जो अल्लाह ने मुझे दिया है मैं खुश हूँ, आई एम कंटेंट. और आप कहते हैं ना, जब आप शुक्र गुजार होते हैं, जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वो आपको और देता है. तो अल्लाह ने मुझे हमेशा और दिया है. मैं किसी रैट रेसिंग में नहीं हूँ. जब आप भागते हैं ना पैसे के पीछे, किसी चीज़ के पीछे, वो चीज़ आपसे दूर जाती है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भागो नहीं, लेट द थिंग कम टू यू. उस चीज़ को आने दो, मैनिफेस्ट करो, बी पॉजिटिव, उसके लिए काम करो, मेहनत करो, वो चीज़ आपके पास खुद आएगी. तो मैंने हमेशा ये सोचा, मैंने पैसे के पीछे मैं नहीं भागती. नो, आई डोंट. अब जब तमाशा ख़त्म हो गया, आप काफ़ी दिन हो गए, बहुत ज़्यादा दिन नहीं लेकिन थोड़े दिन हो गए, इंडस्ट्री का क्या रिस्पांस आया? यार इंडस्ट्री का रिस्पांस ये आया कि कुछ डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मेरा मुझे देखा, फॉलो किया, उन्होंने अप्रिशिएट किया,
दोस्तों ने अप्रिशिएट किया, टीम हमारी तमाशा की टीम थी उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, तो अच्छा रिस्पॉन्स है. एंड आई थिंक मैंने जो कॉमेंट्स पढ़े तो एवरी वन वॉज रूटिंग अप फॉर मी, दे वर शेयरिंग, मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे. तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आपको इतना अप्रिशिएशन मिला है. दो ये फर्जी होता, लाइक वक्ती होता है. मैं आई हैव बीन लाइक, मैं तो 10 ईयर्स से हूँ इस इंडस्ट्री में, तो मैंने उतार चढ़ाव देखे इंडस्ट्री के, कि जब मुझे फेम मिला था तो सारे मेरे पीछे भाग रहे थे, मैंने वो भी देखा है. फिर कोई मेरा ड्रामा नहीं चला तो उस वक्त भी मैंने लोगों का रवैया देखा है. तो मैं इंडस्ट्री को उतना सीरियस नहीं लेती, फेम और नो फेम मैं इसको सीरियस नहीं लेती. मुझे पता है एक फेम है, लेकिन मैं इतना ज़रूर मुझे पता है कि अगर आपको कोई चीज़ इज्जत मिलती है तो आप उसको हैंडल कैसे करना है. बहुत सारे लोग वो 2-3 साल उन्होंने कोई 1-2 ड्रामे किए होते हैं, उनका एटीट्यूड इधर होता है, वो किसी को खातिर में नहीं लाते, किसी को कुछ नहीं समझते. बट सिंस के मैंने हर दौर देखा है, मैंने पीक भी देखी है, मैंने वो टाइम भी देखा है जब मैंने एक ड्रामा किया था मेरे दिल में दुश्मन, उसमें 2 बोल किया था, उस पर मुझे इतने मैसेजेस आए थे, इससे ज़्यादा मैसेजेस मुझे तब आए थे जब वो मेरा एक कैरेक्टर हिट हुआ था. तो मैंने वो टाइम भी देखा है, तो मैंने हर चीज़ देखी है, मैंने आई हैव सीन एवरीथिंग. जब डाउन टाइम आया था, जब डाउन टाइम वैसे नहीं आया, अल्लाह का बड़ा करम है, कभी मुझ पे डाउन टाइम नहीं आया. लेकिन जैसे आप कह रही हैं कि कोई ड्रामा प्रोजेक्ट हिट नहीं होता, तो वो तो क्या इंडस्ट्री का रवैया चेंज हुआ, लोगों का रवैया चेंज हुआ, आपने उसको कैसे, अपने आप को उस वक्त कैसे हैंडल किया, कैसे अपने आप को रोका कि मैं इसको अपने सर पे सवार नहीं करूं, मैं इसको अपनी मेंटल हेल्थ को का इशू ना बनने. अच्छा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हियर इज दैट, कि जब आपको थोड़ा सा फेम मिलता है तो टेक्निकली वो कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को सलाम, हर बंदा सलाम करता है. सही बात है. हाँ. और मैं इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती, मुझे पता है कि अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो एक टाइम आएगा आप स्टैटिक भी हो जाएंगे. तो मैं इसको बड़े पॉजिटिव तरीके से इसको लेके चलती हूँ, मेरा एटीट्यूड में कभी कोई तब्दीली नहीं आई मेरे. लेकिन ये तो आपसे रिलेटेड है, आई वॉन्ट टू नो इंडस्ट्री का क्या मतलब, बाहर जो एक्सटीरियर फैक्टर्स हैं उन्होंने कैसे चेंज किया, क्या एटीट्यूड चेंज किया, क्या मतलब क्या चेंजेस आपको नजर आए जिन्होंने आपको थोड़ा सा डिसहार्टन भी किया हो. जैसे कि मैंने तमाशा से रिलेटेड बात नहीं, कर नहीं, मैं पहले बात कर रही हूँ. ऑफ कोर्स जब मेरे बहुत प्रोजेक्ट्स हिट हुए तो वो प्रोड्यूसर्स जो मुझे कास्ट नहीं करते थे, एंड दे यूज्ड टू से कि आपके नाम पे हम ड्रामा सेल नहीं कर सकते, आई हैव लिटरली हर्ड दोज कमेंट्स एंड मुझे बुरा लगा, तो मैं चुप हो गई. मैंने कहा ठीक है, लाइक द टाइम कम, मेरा भी टाइम आएगा. तो मैंने ये ड्रामा किया, 2 बोल किया, मेरा दिल मेरा दुश्मन किया, एंड देन द सेम पीपल कॉल्ड मी एंड दे वांटेड टू कास्ट मी. तो मुझे यकीन नहीं आया, मैंने कहा तो मुझे कह रहे थे कि आपके नाम पे ड्रामा सेल नहीं हो सकता. तो फिर मैंने उनके साथ काम किया खुले दिल से, सारी बातें भुला के. तो ऑफकोर्स इंडस्ट्री का रवैया तो चेंज होता है, लेकिन वो उसी वक्त तक होता है जब आपका ड्रामा कोई हिट होता है एंड देन एवरीवन इज़ आफ्टर यू. जब आपका ड्रामा कोई हिट नहीं होता तो फिर से वो बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं. तो इसलिए मैंने कहा कि मैं इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेती. तो आप हमेशा से ऐसी थी जो ग्रज नहीं रखती, एक्सेप्ट कर लेती है, मूव ऑन कर सक जाती हैं, या कुछ हुआ जिस पे आपने अपने ऊपर काम किया कि नहीं अब मैं इसको अपने लिए मुश्किल नहीं बनाऊंगी, एक रिजेक्शन या एक जो चीज़ अच्छी नहीं हुई उसको मैं अपना चैलेंज बना के अपनी ज़िंदगी को रोक नहीं दूंगी. आई थिंक मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स ऐसे हुए जिसमें मुझे बहुत चेंज किया. वो कहते हैं ना, इंसान 2 तरह से तब्दील होता है, या तो उसको कामयाबी मिलती है या उसको दिल टूट जाता है. तो मेरे लाइफ में बहुत दिल टूटे हैं, विच एक्चुअली मेड मी द पर्सन आई एम टुडे. आई एम रियली थैंकफुल जो मेरे इतने बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में, चाहे वो काम हो चाहे वो रिलेशनशिप्स हो. आई थिंक उसकी वजह से मैं बहुत स्ट्रांग हूँ अंदर से, लोगों को शायद लगता नहीं है, लेकिन दे रियली हेल्प मी जो भी मेरे साथ बैड एक्सपीरियंस. मुझे ऐसा लग रहा है कि उन सब हार्ट ब्रेक्स ने आपके अंदर एक बड़ी पुरसकून स्ट्रेंथ भी क्रिएट कर दी है. क्योंकि वो स्ट्रेंथ ऐसी भी हो सकती थी कि आप बोलते मैं किसी को लिफ्ट नहीं करा रही, मैं नहीं करी तुम्हारा ड्रामा, तुमने मुझे तब ना बोला था. बट आप तो बड़े सुकून से मूव ऑन कर गई हैं. यू आर लाइक आई एम नॉट गोना होल्ड ग्रजेस, व्हिच इज माशाल्लाह से सो ग्रेट. मेरे लिए किसी के लिए भी कोई ग्रजेस नहीं है. क्या हमारी इंडस्ट्री में हर एक्टर को या एक्ट्रेस को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? नहीं. ओके, ऑफ कोर्स फेवरेटिज्म है. किसी का कोई दोस्त है, वो ऑफकोर्स प्रोड्यूसर्स उसको वो करते हैं कि भाई हमारे जो लीग में लोग हैं या हमारे सर्कल में, आई वुड से कि जिनके सर्कल में जो ज़्यादा हैंग आउट करते हैं, तो उनका कंफर्ट लेवल बना होता है. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरी चीज़ है. ज़ाहिर है अगर मैं आपके साथ रोज़ मेरा उठना बैठना है तो ऑफकोर्स आपकी प्रेफरेंस होगी कि जी
मुझे आपका आज नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट. नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड, बट नेटवर्किंग विद होम, विद द राइट पीपल. जो आप ये बड़ी अपने काम की बात बोली है आपने, भाई तुम हर किसी के साथ मत नेटवर्किंग करते फिर ना लड़के लड़कियों. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नेटवर्किंग किसके साथ हो रही है, विद होम, विद द राइट पीपल. यू कांट हैंग आउट विद द एंटायर इंडस्ट्री और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि आप उस लीग में हो. सो सेलेक्टिव पीपल के साथ आप जो हैं वो आपकी एक अच्छी सलाम दो होनी चाहिए, जिनसे आप डिस्कशन करें. मेंटोर्स भी हो सकते हैं आपके, तो ये है, ये तो ज़रूरी है. व्हाट अबाउट आपकी लुक्स, व्हाट अबाउट आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग, क्या ये चीज़ें भी अब मैटर कर रही हैं? देखिए, सोशल मीडिया पहले तो नहीं था, ये अभी रुझान आया इसका, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सारी चीज़ें. बट हाँ, ये एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है. और लेकिन इससे किसी एक्टर की वर्थ का पता नहीं चलता. आई नो पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन क्या इंडस्ट्री ने उसको उसकी वर्थ का स्टैंडर्ड बना दिया है? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इंडस्ट्री इज कास्टिंग पीपल ऑन द बिहाफ ऑफ देयर रेटिंग्स, कि उनकी कितने सोशल मीडिया फॉलोइंग. ये ऐसा नहीं होना चाहिए. कोई अगर अच्छा एक्टर है, उसके अगर 50,000 फॉलोवर हैं या हाफ अ मिलियन फॉलोवर हैं, तो क्या आप उसको ये कहेंगे ओ आपके तो मिलियंस में नहीं, वी कांट कास्ट यू? नो, वो एक सोशल मीडिया पर एक प्रेजेंस है जो उसकी इतनी है. वो एक अलग वर्ल्ड है, बट लोगों की नज़रों में वो कितना बड़ा एक्टर है ये तो कोई नहीं सोचता. बट हाँ, ज़रूरी है, मैं कहूँगी कि आजकल जो भी एक्टर हैं उनको अडेप्ट करना चाहिए नई टेक्नोलॉजी से. नई जो चीज़ें आ रही हैं बहुत ज़रूरी है. अगर आप ये नहीं अडेप्ट करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि दुनिया इसी पे चल रही है. सोशल मीडिया पे बहुत सारे शेफ़ हैं, वो अपनी, किसी ने सोचा था कि सोशल मीडिया पे बैठ के लोग कुकिंग सिखाएंगे? ट्रू. सो ये भी चीज़ हो रही है. बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ सोशल मीडिया पे आएगी. तो एक्टर्स को आई वुड से कि हाँ, उनको इस चीज़ में अपने आप को मनवाना चाहिए, इन रहना चाहिए, क्या करें क्या नहीं. अब ये उन पे डिपेंड करते हैं कि वो कितना अपनी लाइफ को एक्सपोज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे. ठीक है ना, वो हर चीज़ अगर आप डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, पर लोग तो कमेंट करेंगे. तो ये आप पे इन्हिसार करता है कि आप कितना अपनी लाइफ को खोलते हैं सोशल मीडिया पे. बट यू हैव टू बी ऑन द सोशल मीडिया दीज डेज. किसी को आपने अमेरिका में बैठ के शो रील भेजनी है तो वो कहाँ से शो रील दिखेगा? वो आपका सोशल मीडिया दिखेगा ना, IMDB हो गया, तो ये हो गया है. एग्जैक्टली. तो फॉर दैट रीज़न, कि अपना काम कैसे दिखाएं, फॉर एन एक्टर, फॉर एन एंटरटेनर, उसको वहाँ होना चाहिए. आप इतने अरसे से इंडस्ट्री में, आपने अच्छा टाइम भी देखा, थोड़ा चैलेंजिंग टाइम भी देखा. स्क्रिप्ट्स बहुत ऑफर हो रहे होंगे, टू द पॉइंट जब स्क्रिप्ट मिलना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल हो गया होगा. आपको क्या लगता है एक एक्टर की वर्थ, कि उसका क्राफ्ट कितना अच्छा है, वो कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो कितना इन द एंड उसकी एक्टिंग की सलाहियत कितना काउंट करती है उसके सर्वाइवल या उसके सक्सेस में इस इंडस्ट्री में? ये वही वाली बात है कि कोई भी रोल जो होता है ना, उसको एक एक्टर अच्छा और बुरा बनाता है. कोई अगर रोल छोटा है, उसको मैं बड़ा बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो सलाहियत होगी मैं उसको पावरफुल बना दूँगी उस कैरेक्टर को. अगर मेरा क्राफ्ट सही कम है या उतना नहीं है एज एन एक्टर, तो मैं उसी अच्छे रोल को जो है वो ख़राब कर दूँगी, किल कर दूँगी. तो हाँ, एक्टर अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आई डोंट थिंक ज़्यादा देर चल सकेंगे आप. यू हैव टू हैव दैट फायर विद इन यू. अंदर जो आपकी आग जल रही है किसी भी काम करने के लिए, उसको आप अपनी एक्टिंग में दिखाएं. मैं पता है क्या करती थी, मैं जो मेरे अंदर जो भी इमोशंस होते थे, गुस्सा, खुशी, ये वो, मैं सारे वो अपनी एक्टिंग में दिखा देती थी. ओके. तो मैं इस तरह से, मतलब सारा एग्रेशन मैं उस काम में लगाती थी. और फिर मैं कुछ नहीं सोचती थी जब मैं कैमरे पे आती थी. जब कैमरा ऑन होता है मुझे कुछ नहीं पता होता, मैं उसमें बस चली जाती हूँ. तो आपके अंदर जितना गुस्सा है ना, उसमें निकालें पॉजिटिव तरीके से. पैशन है उसको, जितनी कोई एक मोटिवेशन है, एक वो चीज़ है कि ये मुझे चाहिए, उसको अपने क्राफ्ट में लगाते. और मेरा एक मेरे साथ ये चीज़ है कि मैंने ज़िंदगी में जो भी काम किया ना, उसको अपना आखिरी काम समझ के किया. Seriously? I swear. क्योंकि लाइफ का नहीं पता ना कल क्या हो रहा है. True. तो मैंने कहा यार पता नहीं कल क्या होगा, तो जो भी मुझे प्रोजेक्ट मिलता है उसको मैं अपना आखिरी प्रोजेक्ट समझ के कि भाई ये मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगी. एज एन एक्टर, जब आप लीड कैरेक्टर्स नहीं कर रही होती हैं या आप एक एंसेंबल कास्ट का हिस्सा होती हैं, स्क्रीन टाइम इतना नहीं होती हैं, इन दैट पोजीशन एंड एज अ फीमेल, आपको किस किस्म की बायसेस या डिस्क्रिमिनेशंस फेस करनी पड़ती हैं? बायसनेस तो मुझे कभी नहीं हुई, लेकिन मुझे हाँ इंडस्ट्री से मुझे ये है कि उन्होंने मुझे वो कैरेक्टर्स ऑफर नहीं किए जो मैं कर सकती हूँ. ओके. मतलब किसी पॉलिटिशियन का कैरेक्टर, किसी की यू नो किसी शख्स की, मशहूर शख्स की ज़िंदगी पे कोई कहानी, उसका कैरेक्टर प्ले करना,
मतलब इस तरह के रोल जो एक मुश्किल रोल होते हैं, एंड आई एम टू बी ऑनेस्ट, मैं ये सास बहू कर करके मैं थक गई हूँ. मेरी मुझे इंडस्ट्री से ये शिकायत है कि भाई सास बहू दा के वास्ते कोई दूसरे कैरेक्टर से भी दिया करें. मेरे फैंस मुझे कहते हैं कि आप ये सास बहू क्यों करती हैं. अब उनको तो नहीं पता ना कि उस लड़की ऑप्शन ही नहीं है, और भाई ऑप्शन ही नहीं है. इतना एक्टर है इंडस्ट्री में, तो वो जो चार ड्रामे बन रहे हैं या आठ ड्रामे बन रहे हैं और 200-200 एक्टर हैं मिसाल के तौर पे, तो वो उन आठ ड्रामों में किस तरह फिट होंगे. तो उसमें से भी वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्टर निकालते हैं, और फिर उसमें कंडीशंस बहुत सारी आ जाती हैं कि वो आपकी हो सकता सर्कल में हो, गुड बुक्स में हो. कुछ एक्टर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो मुश्किल होते हैं, वो टाइम पर नहीं आते, यू नो व्हाट आई मीन, तो वो भी कट हो जाते हैं. बट अल्लाह का शुक्र है मेरे ये टाइमिंग के मसले नहीं है भाई. लोग तो मेरे से इतना तंग होते हैं कि जब मैं सेट पे आ जाती हूँ और मैं तैयार हो जाती हूँ जब, तो वो उनको ये होता है कि अब इस ये ना कहेगी काम करो, क्योंकि उसको सेट पे बुला लिया, तैयार हो गई, तो वो कहेगी मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो. तो मैं तो इस किस्म की बंदी हूँ कि मेरे टाइमिंग के कोई मसले नहीं है. बट हाँ, जो लीड एक्ट्रेसेस होती हैं उनको ये प्रिविलेज मिलता है कि वो एट टाइम्स अपनी मर्जी से आ रही होती हैं, एंड We all suffer for that. So, ये bias और ये discrimination, ये bias है जो कि मैंने बहुत सारे प्रोड्यूसरों से डिस्कस भी की है. मैंने कहा what is this? मैंने कहा मैं तो नहीं रुकूंगी लेट क्योंकि मैं टाइम पे आ रही हूँ. तो अगर अगला आपका कोलीग अगर टाइम पे नहीं आ रहा, एंड इट्स जस्ट नॉट जस्ट लीड एक्टर, वो एक बायस स्टेटमेंट हो जाएगी. आई थिंक ये एक हैबिट है जो किस बास एक्ट्रेस एक्टरों में होती है. बहुत सारी लीड एक्ट्रेस इस टाइम पे भी आती है. इकरा अजीज टाइम पे आती है, उसके साथ मैंने मन्नत मुराद किया था, एंड शी वाज फैंटास्टिक. वो सुबह 8:30 बजे सेट पे होती थी और रात के 8-7 बजे चली जाती थी. सो आई हैड अ वंडरफुल टाइम विद हर. सो ऐसा कहना गलत होगा कि सारे लेट आते हैं, बट लाइक बहुत सारे लोग अब भी टाइम की पाबंदी नहीं करते. तो मुझे लगता है कि टाइम इज़ मनी. वॉट अबाउट मनी वाइज, या जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उस तरीके से भी आपको लगता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल क्रेडिट मेंशंस में, उसमें भी क्या लगता है आपको कि बायसेस और डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होती हैं पेमेंट में? पेमेंट, फैसिलिटीज़ ऑन द सेट, यू नो ड्रामे के एंड में मेंशंस जो होते हैं या क्रेडिट्स जो दी जाते हैं ना, या पोस्टर पे पिक्चर, यू नो ऑल दैट. आई थिंक मेरे साथ तो नहीं हुआ कि मेरे चेक्स लेट हुए हों. ओके जिनके साथ मैंने काम किया, मज़ा आता है यार मैं के साथ काम, सिक्सिकमा के साथ काम करती हूँ, तो एंड वो मुझे कहते हैं कि यू आर लाइक माई फैमिली. तो उनके साथ कभी भी मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, हमेशा अच्छा एक्सपीरियंस है. उन्होंने टाइम पे हमेशा मेरे साथ चीज़ें की, और मैंने इन रिटर्न उनको कभी तंग भी नहीं किया. गोज टू वेज ना, कि ये हो कि मैं उनको तंग कर रही हूँ, लेट आ रही हूँ, या मैं शूट पे खर्चे करा रही हूँ, हाँ ऑर्डर करा रही हूँ, हाँ ये ले आओ वो ले आओ, मेरी ऐसी आदत नहीं है. तो बस मुझे ये होता है कि टाइम पे बुलाएं, टाइम पे काम ख़त्म करें, और जो कैंसिलेशंस होती हैं मुझे उस पे मैं बॉदर करती हूँ बहुत ज़्यादा, कि इतनी कैंसिलेशंस क्यों कर रहे हैं, शूट की डेट दी है तो उस पे शूट करें. आर यू हैप्पी विद द वे योर करियर इज़ गोइंग एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं? स्क्रिप्ट्स पे मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ. मेरी वक्तन फवक्तन बहुत सारे दोस्तों से भी ये शिकायत रहती है, जो इंडस्ट्री में मेरे कोलीग्स हैं या प्रोड्यूसर्स दैट आई नो, मुझे उनसे ये शिकायत रहती है कि मुझे नहीं अच्छे लग रहे सास बहू, मुझे नहीं प्ले करना, कुछ और मुझसे करवाओ, कोई एक्शन चीज़ कराओ, कोई फोर्सेस का कोई रोल कराओ, कोई पॉलिटिशियन, कोई वकील, कोई इस तरह, कोई टीचर, कोई स्थानी, यू नो इस तरह की कोई चीज़ कराओ, या फिर वो जो इंडियन एक सीरीज़ चल रही थी हीरा मंडी टाइप, उस तरह का कुछ कराओ, उसमें बहुत कुछ दिखाने को है. तो मुझे इस तरह की चीज़ें करनी है जो मेरे ख्याल से OTT पे तो है, ये एक पे नहीं है, टीवी पे अभी तक इतना हम लोग ब्रॉड माइंडेड नहीं हुए, हमारी ऑडियंस या जो लोग देखना चाहते हैं वो फैमिली कंटेंट देखना चाहते हैं, विच इज़ फाइन. बट ये जो टॉपिक्स हैं ये OTT वाले हैं, ये फिल्म वाले हैं, तो उसके लिए अभी दरवाजे तो खुल रहे हैं OTT के, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ ऑफर हो. बट स्क्रिप्ट्स में भी वैरायटी आ सकती है. हाँ आ सकती है. अच्छा, कमिंग बैक टू तमाशा, यस, आपकी और अकील की दोस्ती, किस पॉइंट पे आपको रियलाइज़ हुआ कि यार ये मेरा बड़ा डिफरेंट टाइप का कनेक्शन हो गया अकील से, एंड यू नो ही इज़ अ गुड फ्रेंड? कोई एक पर्टिकुलर टाइम था या ये ओवर द टाइम हुआ एंड यू नेवर थॉट अबाउट इट? ओवर द टाइम ही हुआ है, बिकॉज मैं उसको पहले नहीं जानती थी. और शुरू में जब वो मुझे तंग करता था तो मैं अपने दिल में बोलती थी, अच्छा अब ये मुझे जवाब दे रहा है, मैं तो उसकी लूज बॉल पे छक्का मारूंगी. तो हम चौके छक्के मार रहे थे, ज़्यादातर मेरी ख्वाहिश होती थी मैं छक्के मारूं उसकी लूज बॉल पे, जो ये इस तरह की बातें करता था. तो शुरू में बस ये एक्सचेंज हो रही थी चीज़ें, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, उसका एटीट्यूड केयरिंग हो गया मेरी तरफ से. जब अक्सर
मेरी मानी से लड़ाई हुई, फिर वो खुद उठ के आया, तो उसने कहा हाँ क्यों रो रही है, क्या मसला है? मैंने कहा हाँ मैं रो रही हूँ, मेरी मर्जी, मुझे रोना आ रहा है, डोंट केयर, देखते रहो, दुनिया देख रही है, मुझे नहीं परवाह, मुझे आ रहा है रोना, मैं रोऊंगी, मैं क्या बाथरूम में जाके रोऊं, मैं रोऊंगी तो यहीं रोऊंगी, हंसूंगी तो यहीं हंसूंगी, मैं गुस्सा करूंगी तो यहीं करूंगी. तो वो ये था, एंड आई डिड नॉट केयर. मैंने कहा हाँ रो रही हूँ मैं. और आप जब आप इतने दिन रहते हैं ना, ट्रस्ट मी, आपको खुद रियलाइज नहीं होता कैमरे लगे हुए, भूल जाते हैं आप. मैं तो लिटरली भूल गई थी कैमरे लगे हुए, मुझे पता भी नहीं था ये सीन लगा देंगे वो कि ये वायरल हो जाएगा, अनम रो रही है बैठ के यू करके. मुझे नहीं, मुझे अंदाजा ही नहीं था, मैं इतनी खोई भी थी वो उस फीलिंग के अंदर कि मैंने कहा बस जाओ, मुझे बुरा लग रहा है वो, हाँ मैं रो रही हूँ. लेकिन ना सिर्फ कैमरा बट इतने लोग जो हैं आपके साथ बैठे हुए, जिनको आप इतने अच्छे से नहीं जानती, जब पहली बार आप रोई तो नहीं था यार मैं इन लोगों के सामने क्यों रो पड़ी, यू नो, बिकॉज रोना इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग. और हमने इसको बना भी दिया है कि यार हाउ कैन यू क्राई इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. ठीक है, आप जब इतने लोगों के सामने लड़ सकते हैं तो क्या रो नहीं सकते? और आप जब अपनी एडिट्स और रील्स देखती हैं या वो फुटेज देखती हैं जिसमें आप लोग जब आप लोग रो भी रहे हैं और अजीब किस्म की हरकतें भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, चीखम दाढ़ी भी हो रही है, हाउ डू यू फील अबाउट इट? यार मैंने तो चीखम दाढ़ी की नहीं वहाँ पे, बहुत कम मैंने मुझे करने को मिला. आपने नहीं, लेकिन जब आप उस पूरे प्रोसेस का कभी हिस्सा हो या, हाँ. या जो भी अपने आप को देख रही हैं, तो अब आपका रिएक्शन क्या आता है उनको देख के? मुझे मुझे नॉइज पोल्यूशन से वैसे ही कोफ्त होती है, उफ तौबा, मैं तो ये झगड़ा ये वो तमाशा घर दें, बस आप देख लेंगे मेरी बर्दाश्त को सलाम करें फिर आप. ओके, कमिंग बैक टू अकील, अकील और आपकी दोस्ती के बारे में बात कर रहे थे, क्या चीज़ें आपको लगता है जिसकी वजह से आप दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हुई, किन पॉइंट्स पे कनेक्ट कर रहे थे आप लोग? कुछ चीज़ें उसने मुझे समझाई जो कि मेरे फ़ायदे की थी. फिर जब अक्सर मेरा मानी से तू तू मैं होती थी, वो बेचारा आके कहता था यार क्या है यार तू पागल है कि वो सही से बात कर बैठ के, वो भी अच्छे हैं तुम भी अच्छी हो, बैठ के सही से पॉइंट आउट करो चीज़ों को, सही करो. तो मैं कहती थी यार ये क्या बोल रहे हैं, मैं अकेली रह जाऊंगी, क्या मतलब वो दोस्त जो आपको चाहिए था वो मिल गया? हाँ, उससे मैं हर चीज शेयर कर दोस्त बन गया था. हाँ, मैं उससे हर चीज शेयर करती कर सकती थी और वो मुझे जज भी नहीं करता था. ये आपने बड़ी कम जबरदस्त बातें बोली. हाँ, ही वुडंट जज मी, ही वुड ओनली जज मी इन जंगल जोन. उसको छोड़ दें, अभी हम अकेला एज अ फ्रेंड की बात करें. मुझे ये था कि मैं उससे कुछ भी शेयर कर लूंगी ना, वो मुझे कभी जज नहीं करेगा, उस वो मुझे ये नहीं सोचेगा कि यार ये क्या बोल रही है. So nice. वो खुले हार्ट से मेरी बात सुनता था, मशवरे देता था, हेल्पफुल भी बहुत था, कपड़े इस्त्री करता था. उसके अक्सर मेरे पास हुडी नहीं थी, मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की मैं सारे कपड़े लेके चली गई, मैं हुडी लेके नहीं गई. तो उसकी एक हुडी थी जो मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा वाह क्या हुडी, इधर दो मुझे, मेरे पास नहीं है. वो मैं रात को पहन के सोती थी. कहता था मेरे पास एक ही हुडी है, तो रात को पहन के सो रही है उसको, मैंने कहा मेरे पास नहीं है. दिल पे क्या गुजरती है? कहता था इतनी अच्छी हुडी है, रात को पहन के सो रही है तो उसको. फिर उसने एक दिन मांगी, उसने कहा यार मुझे ठंड लग रही है, मेरी हुडी वापस कर, मैं निकल ले तेरी हुडी. फिर एक दिन मेरी तबीयत खराब थी, मेरे पास जैकेट नहीं थी, उसने फिर अपनी जैकेट दी, फिर वो उसने पहले पहनी हुई थी, तो हमने बड़े कपड़े जो है वो चेंज एक्सचेंज किए. फिर एक दिन मैंने उसको मोजे दिए अपने, मैंने कहा ये लो मेरे मोजे एज अ गिफ्ट. तो अब कुछ तो गिफ्ट मैंने देना था ना, वो बेचारा इतनी चीज़ें देता होता था मुझे, तो फिर मैंने उसको, तो हमारी ऐसी थी. और फिर अक्सर उसका पेट नहीं भरता था सुबह, पराठे वो दो डेढ़ दो खाता था, तो मैं पराठे वैसे ही नहीं खाती. मैंने बहुत दफ़ा ये बात बोली है कि मैं रोटी और पराठा, भाई मैंने घर में भी पता नहीं कब खाया था, कौन से ज़माने में, और वहाँ मुझे रोज़ खाने पड़े, ये मुझे नहीं पता था. तो मैं आधा पराठा हमेशा उसको देती थी, या फिर मैं साइमा को देती थी, या अकील को देती, सॉरी अरसलान को. तो वो मेरे बराबर में होता था, तो अक्सर ले लेता था, मैं उसको खुद दे देती थी खाना भी, अक्सर मैं उसकी प्लेट से और मेरी प्लेट से. तो हमारा वो शेयरिंग एंड केयरिंग वाला एक रिलेशनशिप था, जो कि मुझे लगता है वो बहुत बेस्ट फ्रेंड्स में होता है, जो इतना जल्दी हमारा बन गया, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो, बट वो एक नेचुरल था. वो इसमें भी क्या कोई प्लानिंग करेगा, ये चीज़ें प्लानिंग करके तो नहीं होती. नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. एंड आई थिंक वो जो मैं जब देखती हूँ, जब मैं याद करती हूँ, मतलब वो आई डोंट थिंक कि वो फेक था. लाइक वो जो आप दोनों एक सीन था, जब एक दोनों आप दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, यू नो, पहले आप भागी, कुछ ऐसा था वो. बिल्कुल मुझे वो दो बहन भाई नहीं होते जो लड़ाई कर रहे होते, वो याद आ रहे थे. देन यू नो वो एक था वो यू आर वॉकिंग हियर, वो आपके सामने आ गए अकील, फिर आप डांसिंग ये ऐसे से हो रहा था. तो वो इतना कोई क्यूट सीन था, वो इतना मजा आ रहा था देखने का कि आई वाज रियली हैविंग फन वॉचिंग दीज काइंड ऑफ मोमेंट्स. वो टॉक्सिसिटी जो इतनी क्रिएट होती थी उसमें, ये बड़ा ना एक
रिलैक्स्ड मोड ले आता था, ये सब चीजें यू नो सॉफ्ट मोमेंट ले आता था। कभी कभी मैं और वो खड़े होकर अपनी एंटरटेनमेंट कर रहे होते थे, कोई तीसरा आया था तो मैं उसका हाथ पकड़ के ले आती थी, मैं चलो मुझे अपना दोस्त नहीं शेयर करना, तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो पक्के वाले। वो एक रील वायरल हुई, इसमें हाथ पकड़ के ले जा रही हूं, मैंने कहा ये भी लगा दी। And वो भी एक जब वो बैठे हुए और आप पीछे से ना ग्लास पहन के आप ऐसे देख रही हैं, वो बड़ा क्यूट सा। वो एक गेम था जिसमें ना ऑडियो चलाई और उसमें बताना था ये ऑडियो आपने किस कमरे में किस जगह पे बैठ के आपने ये लाइन बोली है। तो उसमें उसका कोई ऑडियो चल रही थी और वो सुन रहा है ऑडियो कि उसने जंगल जोन में जाके खड़ा होना है उस जगह पे, और वो इतनी डेडिकेशन से सुन रहा है, मैं आके शाहरुख खान बनी हूँ, मैं चश्मा नीचे कर रही हूँ, मैं यूं कर रही हूँ, मैं मस्तियाँ कर, फुल वो अपना काम कर रहा है, मस्तियाँ करना है। मैंने कहा अब मैं करूंगी, मैंने कहा अब बच्चू तुम्हारी गोट मेरे हाथ में आई है, अब मैं करूंगी तुम्हारे साथ। तो उसको मैं जानबूझ कर रही थी कि इसको मैं डिस्ट्रैक्ट करूँ, हालांकि वो राशन टास्क था, लेकिन फिर भी मैं लगी हुई थी। आप लगी हुई थी। और आप दोनों की डांस वीडियोस कुछ सोचा था उस वक्त, यार ये फैंस को ऑडियंस को इतना पसंद आएगी, इतने क्यूट मोमेंट्स? मुझे तो लगा हम कोई बोंगी मार रहे हैं, आई स्वेयर ऑल दोस टाइम्स मुझे ये लगा कि हम बोंगी मार रहे हैं, पता नहीं क्या ही बाहर जा रहा होगा। लेकिन मैंने कहा जो भी है, बस मुझे अच्छा लग रहा था, मेरे वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे, वही सब कुछ करके डांस करने से सेरोटोनिन डोपामाइन ये सारे रिलीज हो रहे थे मेरे, जो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। हुआ ये कि ये तीनों डांस करते थे, अकील और अयाज और सलाम, तो ये इतने मुश्किल डांस की वो अयाज करवाता होता था इनसे। तो एक दिन ना ई रियली गॉट काइंड ऑफ टर्न ऑफ कि ये तुम लोग क्या मुश्किल डांस करा रहे हो, ऋतिक रोशन टाइप ये वो। तो फिर उसने कहा मैंने अपनी कंपनी दूसरी बना ली है नम के साथ, उसका नाम है आसान डांस कंपनी, हमारी कंपनी भी बन गई एक दिन। तो उसने कहा हम डांस करते हैं वो। तो फिर हम जो है वो बेतुका डांस शुरू, मुझे तो बड़ा बेतुका लग रहा था, लेकिन मुझे तो बड़े मजे का लग रहा था, बिकॉज आई एम सो बैड एट डांसिंग, बट यू गाइस वर गुड भाई। वो ग्रे जैकेट वाले, ग्रे जो हुडी वाला है, उसके बाद जो आप दोनों डांस कर रहे थे, अच्छा खासे स्टेप्स थे वो, मैंने बहुत दफा देखी, बिकॉज वो इतने मजे की रील है, तो कोई इतना ऐसा कोई आसान नहीं था वो, नहीं था। हाँ, बट इट वॉज रियली क्यूट द वे यू गाइज वर डूइंग। हमने उसको नाम दिया आसान डांस, जो बेचारे हमें देख रहे हैं जो डांस करना चाहते हैं, बिकॉज वाई नॉट, हम इतने महंगे कोरियोग्राफर्स बुलाते हैं, तो जिन लोगों के पास यूट्यूब है, हमारे पास तो नहीं था, वो हम खुद ही डांस बनाते थे स्टेप्स। वो कभी कुछ बनाता था, कभी मैं बनाती थी, कभी मैं कहती थी यार मुझसे नहीं हो रहा, कोई नया बनाते हैं। तो हम खुद ही, वो हमारे लाइक सामने सामने हो रहा होता था, ऐसे ऐसे हम करके बनाते थे। तो हमने ऑडियंस को एक मैसेज दिया कि जो डांस करना चाहते हैं शादियों पे, लाइक मेहंदी पे, बर्थडे पे, या फिर अपनी को रील बनाना चाहते हैं, तो दे कैन क्रिएट देयर ओन स्टेप्स। वो अपने स्टेप्स खुद बना सकते हैं, इट्स वेरी इजी, यू डोंट इवन हैव टू गो टू गूगल और या यूट्यूब पे, बट अब तो यूट्यूब भी है, तो वहाँ से भी सीख सकते हैं, इट्स इजी। और अखिल जब आपको मनाते थे? यार जब वो मनाता था तो मैं कहती थी ये पता नहीं मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, पहले मेरी बात तो सुने कि इस बात पे मेरी तपी हुई है। उसको बस ये होता था कि यूं बस सही हो जाओ। मैंने दो तीन दफा उसको बोला, मैंने कहा भाई मैं कोई रिबोट नहीं हूँ कि मेरी चिप लगी हुई है कि जी हैप्पी चिप लगा ली अनम तनवीर खुश हो गई, सैड चिप लगा ली अनम तनवीर उदास हो गई, एंग्री चिप लगा दी अनम तनवीर एंग्री हो गई। भाई इंसान हूँ, मुझे 5-10 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट तो लगेंगे उसको चेंज करने में, चेंज ओवर लाने में। तो उस दिन में पता नहीं क्या आया, आज से कुछ हो रही थी, तो वो ऐसे उठा के ले गया, आओ हम करते हैं, हम करते हैं। कहा यार दिल नहीं है मेरा, अंदर से नहीं फीलिंग आ रही, तुम मुझे डांस करवा रहे हो, जब अंदर से फीलिंग आएगी मैं तब करूँगी डांस। और एक दफ़ा तो उन्होंने पब्लिकली आपसे अपोलोजाइज भी किया था ना, दैट वाज रियली नाइस मोमेंट। हाँ वो एक हो गया था मिस्टेक, वी आर ऑल ह्यूमंस, मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट ही चोज टू एक्चुअली यू नो एक्नॉलेज इट, एंड दोस्तों के दोस्त हैं आई थिंक। अच्छा अगर किसी लड़की को अकील के बारे में कुछ पॉजिटिव बातें बतानी हो कि हाँ यार ये बंदा इंटरेस्टिंग हो सकता है, तुम कंसिडर कर सकती हो, तो क्या कहेंगी दो तीन चीज़ें? यार वो केयरिंग भी है, वो आपको अच्छे मशवरे भी देगा, वो आपको गाइड भी करेगा, और वो आपको इरीटेट तो बहुत करेगा, आप बहुत इरीटेट हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे उसके बाल नोच तू मैं, दैट काइंड ऑफ, मुझे तो हर वक्त ये फीलिंग आती थी, चाहता उसके बाल नोच लूँ मैं, लेकिन वहाँ कर नहीं सकते थे ऑफकोर्स। और कभी कभी वो आपकी बात नहीं भी सुनेगा, क्योंकि उसको शौक है कि पहले मेरी बात सुनी जाए, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। तो ये होता था। और जब आप उसके साथ किसी कॉम्पिटिशन में गेम खेल रहे हैं तो आपको बहुत जज करेगा, उधर दोस्ती भूल जाएगा। अकील और मानी की दोस्ती आपकी दोनों से बहुत अच्छी दोस्ती थी, कैसे डिफरेंशिएट करती हैं दोनों को? मानी के साथ किस तरह की दोस्ती थी और अकील के साथ किस तरह की दोस्ती थी? मानी मुझे लगता है वो
थोड़े दूसरे अंदाज में मुझे लाइक करते थे बिकॉज दो तीन बातें उन्होंने की एंड देन आई क्लेरिफाइड हिम कि भाई मैं आई डोंट नो यू इनफ कि मैं ये इस तरह के डिसीजंस लूँ. तो आई थिंक मानी ने नो डाउट सबका घर में बहुत ख्याल रखा है एंड इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बींग. वो एक एक बंदे का ख्याल रखते थे, किसी की तबीयत ख़राब है दवाइयाँ दे रहे हैं, मेरे अक्सर हाथ में कोई ज़ख्म हो गया बैंडेज लगा रहे हैं, नेल पॉलिश भी लगाते थे, नेल पॉलिश लगा रहे हैं. उनकी तो हर वक्त एक ख्वाहिश होती थी नेल पॉलिश लगा के रखो. मुझे इतना वो चढ़ाती थी, मैं क्यों लगाऊँ, मतलब वाय. और उसके बाद इस पगोल दे रहे हैं कि मेरा पेट बहुत दफ़ा ख़राब है, इस पगोल खिलाई, फिर दवाइयाँ दी. सो वो सबका घर में ख्याल रखते थे. बट ज़ाहिर है हर बंदे के शॉर्टकमिंग्स भी होती हैं. और मुझे लगता है बीइंग ए वुमन, अगर मैंने उनको कहा कि भाई हम एक गेम में हैं एंड पीपल आर वॉचिंग अस, आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि हम प्रपोजल्स डिस्कस करें यहाँ पे या खुलेआम डिस्कस करें. तो मैंने इस, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत कहा इसमें, बट मुझे लगता है कि हाँ वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे. आपको लगता है या उन्होंने सोचा कि हाँ ये इंटरेस्टिंग एंगल बनेगा शो के लिए, लोग इंटरटेन होंगे, तो या वो जेन्युइनली, क्योंकि मुझे लगता है ख्वातीन को लड़कियों को वाइब आ जाती है, दे कैन टेल, यू नो. मुझे लगता है उनकी फीलिंग्स जेन्युइन थी और वो बड़ी अच्छी थी, उसमें कोई गलत नहीं एंगल नहीं था. वो केयरिंग, वो समझाते भी थे, बकअप भी करते थे जंगल जोन में, हमेशा अप्रिशिएट करते थे. तो हाँ कुछ एक दो बातें उनकी मुझे बुरी लगी जो मैंने उसी वक्त कह दी और ख़त्म कर ली और दोस्ती भी कर ली, विच इज़ आई थिंक इज़ द बेस्ट पार्ट. आप उसको झगड़े को प्रोलॉन्ग करते रहें, वो जो ख़ानदानी झगड़े होते हैं अक्सर हमारे माशरे में नस्ल दर नस्ल चल रहे होते हैं, उससे बेहतर ये नहीं एक दिन में ख़त्म कर लें आप मानी और अनम के झगड़े नस्ल दर नस्ल. आई कैन अफोर्ड दिस. अच्छा तो आपको कैसा फील होता था, मतलब अच्छा तो लगता होगा, यू नो इतने क्यूट क्यूट वो रिमार्क्स दे रहे होते थे, अक्सर उनकी लुक्स भी ऐसी होती थी एंड आई कुड सी एट सम पॉइंट यू नो के मतलब एक एक कलर आता था आपके चेहरे पे, एक हल्की सी लुक आती थी, आंखें थोड़ी सी इधर से उधर होती थी व्हेन यू नो समबडी इज कॉम्प्लीमेंटिंग यू इन दैट वे, यू नो. आपने बड़े गौर से देखा है भाई वो नेल पॉलिश लगा रहे हैं और उन्होंने कुछ कहा है ना, आप ऑल दो यू आर ट्राइंग टू कीप योरसेल्फ न्यूट्रल बट फिर भी हल्का सा इधर हुआ. फिर एक और भी कोई चीज़ हुई थी, वो कुछ कह रहे हैं, आपने स्माइल की एंड योर स्माइल वाज लाइक यू न्यू के व्हाट ही मींस, कि ही लाइंस में हां या कि ये लाइन है, सो बोली है तो हाँ अच्छा लगता था. कोई आपको अगर अप्रिशिएट करे तो वो कमेंट लेना चाहिए, इतना अपने आप को टेस्ट नहीं करना चाहिए हवा में कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, पता नहीं असली कर रहा हो नकली कर रहा हो. तो मुझे अच्छा लगता था, किसको नहीं अच्छा लगता लड़की को, बिल्कुल आई थिंक किसको अच्छा नहीं लगेगा. एग्जैक्टली. एंड लेकिन सच्ची बताएं, जब इतने अरसे साथ रह रहे थे और कॉन्स्टेंटली ही वाज यू नो एंड बड़े क्यूट से अंदाज से वो चीज़ें करते थे ना, जैसे वो एलिमिनेशन वाली उस पर ही लाइक मेरी तहज्जुद की दुआ कबूल हो गई, अब कोई बंदा ऐसे बोल रहा है तो दिल में कुछ कुछ कभी भी नहीं हुआ, हल्का सा भी? हाँ ऑनेस्ट जवाब. सोचा था मैंने, नहीं मैंने सोचा था हाँ चलो सोचते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं यहाँ करने के आई हूँ, पहले वो तो करूँ. दिस इज माय, इसका भी साइड पे हो जाता है. नहीं यार ये चीज़ें बड़ा टाइम लेती हैं, मुझे लगता है जब तक आप नहीं किसी को जाने तो ये स्टेप्स नहीं लेने चाहिए, ये बड़ा फैसला होता है. और जिस हिसाब से शोबिज़ में तलाकें हो रही हैं, सॉरी टू से मैं तो बहुत डर गई हूँ भाई. मतलब लोगों ने शादी ब्याह को एक विच इज़ बड़ा एक पाक रिश्ता है, आपने इसको मजाक बनाया हुआ है, फिर तलाकें. मैं ये सुन के थक गई हूँ, देख के वो एक ट्रामाटाइज होती हूँ मैं बहुत ये न्यूज़ सुन के. तो आई वॉन्ट टू टेक माई टाइम, भले थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाए, बट जो भी आप डिसीजन लें वो सही लें, सही फैसला करें. कि जो फैसले मुश्किल होते हैं उसमें थोड़ा टाइम ले लें तो कोई बड़ी बात मुश्किल बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं इसमें, कोई मजायका नहीं है. हाउ डू यू बैलेंस कि एक बंदा आपको पता है कि वो दोस्त भी है लेकिन वो दोस्ती से शायद थोड़ा सा ज़्यादा आपके अंदर आपके लिए फीलिंग्स रखता है, तो आप कैसे बैलेंस करती हैं कि उसको ऑफेंड भी ना करें ऐसी किसी बात का, कि उसको कॉन्शियस भी नहीं करें लेकिन अपनी दोस्ती भी आगे, बिकॉज यू डू एंजॉय दैट पर्सन कंपनी एज अ फ्रेंड, यू नो, ये बैलेंस कैसे करती थी आप? एक दो दफ़ा समझाया मैंने उनको, मैंने कहा देखे हमारे थोड़े से आपके इंग्लैंड में हमारे पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है, वो माशरा थोड़ा सा ओपन माइंडेड है अबाउट रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग, बट आप इधर हैं तो यहाँ की रिक्वायरमेंट्स, यहाँ का कल्चर डिफरेंट है, शायद लोगों की बात अच्छी नहीं लग रही होगी कि हम इतना खुलम खुला. आप कॉन्शियस थी इस चीज़ पे भी कि हाँ, लोग क्या सोच रहे होंगे बाहर? मैंने कहा ठीक है, दो हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हम मर्द औरत बराबर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आपका राइट है कि लड़की जिससे शादी करना चाहे वो कर सकती है, उसका रिलीजियस राइट भी है, उसका कल्चरल राइट भी है, शादी अपनी मर्जी से कर सकती है, पूरा लॉ है इस पर. तो बट अगैन मैंने कहा मुझे अजीब लग रहा है कि पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे बाहर, क्या मैसेज जा रहा होगा. दो हमारी इंटेंशन गलत नहीं है, पर मुझे लगता है कि आई डोंट नो यू वेल इनफ
कि मैं इस पे कमेंट करूँ या मैं आपको हाँ करूँ, तो इससे बेहतर है कि हम इस चीज़ को बाहर जाके बात करेंगे. तो मेरे जहन में ये था कि हम जिस कल्चर में रह रहे हैं हमें उसे थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए. तो जब उन्होंने वो लाइन बोली कि मेरी तहज्जुद की दुआ कबूल हो गई, तो आप मुझे सच्ची बच्ची आप टर्न तो कर गई. दिल में क्या सोचा आपने? कैमरे की वजह से आप ज़्यादा तो नहीं बोल सकती होंगी, लेकिन दिल में क्या सोचा? पहले मैंने सोचा मैंने कहा बड़ी इन्होंने कोई नमाज पढ़ी होगी, पहले ये सोचा. You didn't believe it. Oh my goodness. You like your life anchor, है ना? मैंने कहा बड़ी उन्होंने 4 बजे उठ के 5 मिनट उठ के नमाज पढ़ी होगी. मैं नहीं बिलीव करती इस बात को. पहले मुझे ये आया. फिर बादशाह सलामत खड़े थे तो उनकी हम वैसे ही रिस्पेक्ट में कुछ नहीं बोलते, तो मैं चुप करके साइड पे हो गई. फिर यू जस्ट स्माइल्ड एंड यू एंजॉयड द कमेंट. आई स्माइल्ड एंड एंजॉयड that comment. Yeah. Anam, thank you so much for sharing and talking, sharing these moments and talking about this topic. कोई गलत बात नहीं कर रहे, लेकिन कभी कभी खवातीन लड़कियाँ बहुत ज़्यादा conscious feel करती हैं लड़कियाँ that you know वो मोहब्बत या crush या कोई दूसरा बंदा उनके बारे में feeling रख रहा है तो उसकी बात करें, क्योंकि लोग judge करेंगे you know. लेकिन आपने बहुत openly और बहुत अच्छे तरीके से, महजब तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपने बात की. सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, बिकॉज ये भी एक बहादुरी होती है, सच्ची बात है you know. क्योंकि नीचे कोई भी कमेंट आ सकता है. टू टेक दिस रिस्क एंड टू टेक दिस करेज, क्योंकि आपका खुद कुछ गिल्टी कॉन्शियस नहीं है. और ये एक और उन्होंने और बड़े क्यूट मोमेंट्स थे यू नो, बड़े अच्छा मज़ा आता था. एंड वी वर आल्सो होपिंग शायद कुछ हो जाए, देखते क्या होता है यू नो. तो वो एक मज़े की चीज़ हो रही थी. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन. वेलकम. अगर मैं सायमा के बारे में बात करूँ, तो क्या ऐसा था कि आप सायमा की फीलिंग्स को बीइंग अ वुमन एक डिफरेंट तरीके से समझ सकती थी या समझती थी? क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब आप एक जगह पे हो जहाँ कोई एक सिचुएशन चल रही हो, तो लोग कभी कभी आपको कॉर्नर कर देते हैं या लोग आपको डिफेंसिव पे ले आते हैं, फिर आप एक मोड में चले जाते हैं और आप उससे निकल नहीं पाते. आपको लगा कि कभी कभी उनकी शायद इंटेंशंस को सही तरीके से नहीं समझा गया, या आप उसको डिफरेंट तरीके से देख सकती थी बीइंग अ वुमन? कुछ बातें थी जिसमें मुझे लगा हाँ यार बिला वजह उसके साथ बात तो वो सही कर रही है, लेकिन बिला वजह आप लोग जो है उसको तंग कर रहे हैं. जैसे कि पता नहीं वो हाकिम महकूम वाला एक गेम हुआ था, तो उसमें वो योगा कर रही थी. मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तुम्हारा पराठा बन गया है आ जाओ. तो उसमें मुझे लगा कि हाँ सबको उसका वेट करना चाहिए था और सारे शुरू हो गए पराठे खाना. तो उस पर उसने बोला आपने मेरा वेट नहीं किया, ये नहीं किया. तो उसका अगर वेट कर लेते, जैसे कि एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो इस तरह की बहुत सारी बातें थी जहाँ पर उसको जो है वो मतलब उकसाया जाता था कि वो उस तरह की बात करे. तो हालांकि वो बात गलत नहीं करती थी, लेकिन उसकी अगर थोड़ी सी टोन बेहतर होती, पोलाइट तरीके से अगर वो कह देती. और मुझे उसका बैकग्राउंड पता है, वो बहुत अलग थलग रहती है, जिसमें बुराई नहीं है. हर बंदे को राइट है कि वो द वे दे वांट टू लिव देयर लाइफ, हर बंदे का अपना तरीका है ज़िंदगी गुजारने का. तो वो नहीं, उसके दोस्त नहीं है, वो ज़्यादातर खुद ही बता रही थी कि मैं कमरे में रहती हूँ ज़्यादातर, और मैं योगा करती हूँ, ज़्यादा मिलती नहीं हूँ. तो फॉर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन ऑफकोर्स 18 लोगों में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है, जो कि वो खुद कहती है. तो बाज़ चीज़ें उसकी बिल्कुल ठीक भी थी, मुझे फील भी आता था, फिर मैं उसको उससे हमदर्दी भी रखती थी. और वो उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, ऐसी बात नहीं, उसने मेरे लिए बोला भी बहुत है. लेकिन फिर जब लोगों ने देखा कि ये तो अनम तो बहुत ज़्यादा इसके साथ लगी हुई है, लेकिन उनको ये नज़र नहीं आया कि मैं तो बहुत एंड में जाके उससे मेरी बातचीत होना स्टार्ट हुई है. शुरू में तो मैं अकील मेरा दोस्त था, मानी, फिर अकील के साथ यू नो शुरू में मेरा वो कंपनी वो थी, तो लोगों को वो नज़र नहीं आया. लोगों को ये नज़र आया कि जी मैं सायमा के साथ घुस रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि यार शी इज़ लेफ्ट अलोन, शी माइट नीड सपोर्ट, एंड वाई नॉट अगर कि वो मैं हूँ सपोर्ट, या वो एक शोल्डर मैं उसे दे दूँ तो उसमें क्या बुरा है. तो मैं उसको सपोर्ट करती थी, उसकी अच्छी बात सपोर्ट करती थी, गलत बात पे मैं उसको समझाती थी कि बेटा ये ठीक नहीं है, जरा इसको सही कर लो. तो हाँ मुझे फीलर तो आता था. अगर आप आंखें बंद करें तो क्या बेस्ट मेमोरी आती है आपकी, आपके जहन में तमाशा की बेस्ट मेमोरी? हो बेस्ट तो बहुत सारी हैं, पता नहीं क्या कुछ हमने किया है. एक वो गेम था जिसमें वो बांस को बांध के चाबी उठानी थी, वो इतना कोई अजीब सा कोई गेम था. मैंने कहा ये बांस के चार बेस्ट कैसे है? वो बेस्ट ऐसे है कि उस पे ना जंगला लगा हुआ था एक बांस का, जिसमें से आपने हाथ निकाल के अब एंड में जो है वो मेरा जो डंडा था बांस का वो नीचे गिरने लगा. मैंने कहा अब मैं किस तरह चाबी निकालूं, मुझे जीतना है, ये बहुत हो गया. तो मैं उस पे लटक गई और मैंने अपनी आखिर कर दी और आखिर जाके मैंने चाबी निकाली जो मिडल वे में गिर गई बीच में.
फिर मैंने हाथ से उठाने की कोशिश की तो बादशाह सलामत ने कहा ये हाथ से क्यों उठा रही हैं, इसको बांस से उठाएं। फिर गिरी हुई चाबी को बांस से उठाया, सोचे पहले वहां से उठाया, फिर गिरी हुई चाबी को फ्लोर से उठाया, फिर मैंने ताला खोला, फिर मैं वकील को बोला हो गया हो गया हो गया, ये भी बहुत सारा हो गया आई नो, कहता क्या हो गया क्या हो गया, उसको हक करने आ रही थी, कहता क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया तुम्हें क्या हो गया। That was the best. Now I can see her laughing and I can see that, you know, that is one of the okay, okay, okay. Yeah. Oh, ये बहुत best था। फिर वो हमने गेम खेला जिसमें मानी ने कहा बूझो तो जाने sort of game cards वाला, उसमें मानी ने कहा I live alone, उसको जज करना था कि सही है या गलत। हम इस पर हंसते रहे कि आई लिव अलोन वेयर, आप तो मैनचेस्टर में भी रहते हैं, दुबई में भी रहते हैं, लाहौर में भी रहते हैं, भाई किधर आई लिव अलोन वेयर। ये तो वही वाली बात है कि मैं कह दूं मतलब मैं भी बोल सकती हूँ कि आई ईट दिस या आई मैंने ये खाया था या मैं वहां गई थी कब, ओके ना, तो वो I can see this fun, this very quirky side of Anna, जो शायद I think मैंने तो पहले नहीं तमाशा से पहले नहीं देखी थी और अभी भी जो मैं देख रही हूँ you know वो मैंने नहीं देखी। Funny moment है ये। But definitely I think आपके audiences और आपके fans को एक अनम की different side देखने को मिली और आपका journey भी हुआ, जैसे मैं intro में भी कह रही थी कि हमने जो जिस अनम को देखा जो enter हुई और जो अनम final finalist के साथ निकली वो एक different अनम थी, आपको लगता है? भाई जो अनम तमाशा में एंटर हुई थी ना वो एक अजीब ही सर्कमस्टांसेस थे, एक साल से मैं ड्रामा शूट कर रही थी तेरे जाने के बाद ARY का, तो उसका प्रेशर इतना था कि ना ही तो मैंने कोई गेम्स इस तरह से देखे तमाशा में, मुझे टीम बोलती रही आप ज़रा देख के आइएगा कि हो क्या रहा है, और जो देखने वाली चीज़ थी मैंने देखी नहीं कि गेम्स किस तरह खेल रहे हैं, और टॉकी देख ली मैंने, मैंने कहा ये तो बातें कर रहे हैं मतलब मैं भी कर लूँ, हाँ मैंने कहा इसमें क्या है, तो इतना अनप्रिपेयर्ड मैं हो गई, हाँ ये कपड़े जूते ये सारी चीज़ें थी, दवाइयाँ शवाइयाँ मुझे पता था बीमार मैं बहुत होने वाली हूँ, इतना सारा मेरी दवाइयाँ मेरे साथ गई, तो वो सारी चीज़ें थी लेकिन प्रिपरेशन मेरी कुछ नहीं थी। एक दिन पहले तक मैं शूट करती रही हूँ और उस शूट में इतना स्ट्रेस आउट होता है बंदा कि आप 11 बजे 10 बजे घर जा रहे हैं तो आप क्या ही प्रिपरेशन करेंगे तमाशा की। जब मैं खोलती थी मैं बोर हो जाती थी तमाशा देख के, ये तो ना बोले मैं जो आपने भी तमाशा किया है सीजन टू जब मैं खोला तो मैं बोर हुई, मैंने कहा क्या है, सीजन वन खोला बोर पता नहीं क्या था मुझे, तो आपको ये नहीं था मैं भी एक बोर शो का हिस्सा बन रही हूं, मैंने कहा यार मैं ऐसा ना हो कि क्या मैंने सही किया गलत किया, मुझे ये था मैंने कहा बोरिंग शो का हिस्सा बन रही हूँ क्या कर रही हूँ कुछ नहीं पता था। फिर जब अपॉर्चुनिटी करीब आती रही सो आई मेट JJ इन अ चैरिटी इवेंट एंड देन वी डिस्कस तमाशा हो रहा है ये वो, देन ही सेड के अच्छा ठीक है अगस्त में यू आर अवेलेबल तो करते हैं, तो ये तो हो गया। अब जब टाइम करीब आने लगा 4-5 महीने हो गए तो लिटरली गूज बम्स आना शुरू हो गए कि पता नहीं किस तरह रहूँगी क्या करूँगी, एक डर था अंदर, और जैसे कि मैंने कहा कि मुझे खुद को चैलेंज करना था तो इस ये मेरा मकसद था तमाशा में जाने का, तो ये हुआ That's how I end up in तमाशा, कोई प्रिपरेशन नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं पता क्या करना है। जब घुस गई तो मैंने कहा जो हूँ वो हूँ बस वो ही दिखाऊंगी और जो जिस तरह रियल लाइफ में हूँ वो दिखाऊंगी। अभी कुछ शूट कर रही हैं आप आजकल, कुछ स्क्रिप्ट्स आपने पढ़ना शुरू कर दिए या अभी यू टेकिंग अ ब्रेक? अभी स्क्रिप्ट्स आए एक दो लेकिन वही सास बहू टाइप स्क्रिप्ट जो मुझे नहीं पसंद, तो उस पर मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम Anam, it was really nice talking to you and I hope आपके fans को आज कुछ नया material मिला हो आपसे, आपके बारे में कुछ नई चीज़ जानी हो, उन्होंने ऑल दो महीने बहुत देखते रहे तो बहुत कुछ जान गए होंगे लेकिन आज क्योंकि आप डायरेक्टली उनसे बात कर रही थी एंड स्पेसिफिक टॉपिक से हम बात कर रहे थे तो आई होप उनको मज़ा आया आपकी बातें सुन के। आई होप उनको मज़ा आया होगा। या आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू बैक ऑन स्क्रीन वेरी सून इन अ ग्रेट ड्रामा इन अ गुड कैरेक्टर दैट यू लव आल्सो इन अ ग्रेट ड्रामा इन अ विद अ ग्रेट स्क्रिप्ट और कैरेक्टर्स भी अच्छे मिले क्योंकि हमेशा मैंने कैरेक्टर्स पे फोकस किया है कि मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स दिए जाए नॉट जस्ट सास बहू बिकॉज लॉट ऑफ माई फैंस वो मुझे मैसेज करते हैं कहते हैं आप सास बहू क्यों करती हैं बट दे डोंट रियलाइज के अब कैरेक्टर्स कम हैं और एक्टर बहुत ज़्यादा हैं तो उन गिने चुने कैरेक्टर एक्ट्रेस को वो जो उनके फेवरेट होते हैं या फिर कह लें उनके सर्कल में होते हैं या जिनके साथ प्रोड्यूसर्स का कम्फर्ट जोन होता है तो एक्ट्रेस वही चूज़ किए जाते हैं और कम्फर्ट जोन होना कोई बुरी बात नहीं है। कम्फर्ट जोन अगर आपका भी किसी टीम के साथ है तो आपकी प्रेफरेंस ये होगी कि उस शख्स के साथ काम करूँ जिसके साथ कम्फर्ट जोन है। तो रोल कम है एक्टर ज़्यादा हैं
इसलिए आपको वो डिजायर्ड रोल नहीं मिलते, बट यू हैव टू वेट, आपको वेट करना चाहिए कि हो सकता है कभी आपका छक्का लग जाए. एक्टिंग में छक्का है सिर्फ, लोग 10-10 साल काम करते हैं फिर जाके उनकी उनके छक्के लगते हैं, दैट आई विल से. तो वेट करना पड़ता है गुड कैरेक्टर के लिए. चलिए, आपने बहुत से छक्के चौके लगाए, वी होप यू गेट द चांस टू डू इट अगेन वेरी सून. वेरी सून इंशाल्लाह. आप अपना ख्याल रखिएगा. आप भी. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैविंग मी ओवर. थैंक यू फॉर कमिंग. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.